मुंबई फिल्म उद्योग की नगरी। वैसे उद्योग तो होता है धन कमाने के लिए, लेकिन हिंदी फिल्मों ने अप्रत्यक्ष ढंग से हिंदी के विकास विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो बुद्धिजीवी जो हिंदी सिनेमा को बुरा समझते हैं, धुतकारते हैं, वो भी इस बात से मुंह नहीं फेर सकते कि हिंदी सिनेमा का योगदान जो है हिंदी जबान के बाजार में बहुत 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 अहम है। शरद घोड़ों पे लगाते हैं कठोर, शेरों पे नहीं। अरे धम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। आसान जबान, बोलचाल की जबान और कम्युनिकेशन की जबान जो है उसमें तब्दील किया उसे, और उसकी वजह से जो है हिंदी का प्रचार, मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी सिनेमा का योगदान जो है हिंदी के प्रचार में बहुत बहुत अद्वितीय है। कोई मुश्किल नहीं है टीपू, गोरे पतलून पहन के ही खेल का क्रिकेट कहते हैं, और हम लंगोटी बांध के गिली डंडा, समझा? यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वास्तव में पूरे देश में हिंदी का विकास हुआ है संपर्क भाषा के तौर पर, तब भी ये सच इसलिए नहीं है कि हिंदी अभी भी दक्षिण के प्रदेशों में अपनी पैठ नहीं जमा पाई है। Stalwart actors, directors and producers from non-Hindi speaking states came to the Hindi film industry and became stars. कारण ये था कि अगर मैं हिंदी में फिल्में बनाऊं तो सारे हिंदुस्तान में दिखाए जा सकते हैं जी। अगर कोई रीजन का कोई रीजनल लैंग्वेज में बनाऊं तो उसी रीजन में रह जाएगा जी। तो इसी वजह से मैंने हिंदी फिल्में बनाई। हिंदी फिल्मों में एक जादुई ताकत है सचमुच। मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूँ आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए। एक वक्त था जब बाहर की भाषाएं हमारे देश में आईं और उन्होंने हम पर गहरा असर डाला। आज हिंदी फिल्मों के माध्यम से हिंदी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बाहर के देशों में जा रही है और ज्यादा गहरा असर डाल रही है। राज कपूर साहब की बहुत प्रशंसा, बहुत उनका नाम हुआ रूस में, चीन, चाइना में उनकी पिक्चरें बहुत चली, वहाँ लोगों ने उनको पसंद किया। अब देखिए कि दो देश हैं जिन्होंने जो हिंदी जानते नहीं, लेकिन वो जानते हैं एक मोहब्बत, एक जज्बात का एक भाषा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश। दिस इज एन अमेरिकन स्टूडेंट हु हैज लर्नड हिज कन्वर्सेशनल हिंदी फ्रॉम द फिल्म्स। इंस्टेड ऑफ वाचिंग अ मूवी इन अ मल्टीप्लेक्स, ही प्रेफर्स गोइंग टू अ हॉल इन अ रूरल एरिया। आप किसी भी गांव के किसी भी सिनेमा हॉल में देखें, वहाँ पर आपका जो अनुभव होता है वो किसी दूसरे देश में नहीं होता, किसी दूसरे देश के सिनेमा माहौल में नहीं हो सकता है। क्या फ़र्क है भारत में, क्या फ़र्क? पहले फ़र्क यह है कि लोग स्क्रीन के सामने उठ करके नाच कर लेते हैं। मैं एक बार कायरो गई थी जो इजिप्ट में है, और वहाँ खाले खली नाम की एक जगह है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा पूछा इंडिया इंडिया, कोई मुझे कह रहा था अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को जाके किस दोगी, कोई कोई गाना शुरू कर देता था, कोई किसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर, तो इतना ज़्यादा बॉलीवुड का वहाँ इन्फ्लुएंस था कि मैं खुद, मुझे ताज्जुब हुआ कि किस तरह से लोग जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी इसको तो मतलब होना चाहिए, इसको एक्सेप्टेंस, इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब अरबी को एक्सेप्ट करते हैं तो हिंदी को भी करना चाहिए। इंडिया को भी उतना ही हक है अपनी भाषा को रिकॉग्नाइज कराने का जितना कि जर्मनी को है, या जापानीज को है, या चाइनीज को है। हक बात की खातिर कट मरना, हक बात की खातिर कुछ करना, ये काम जुनू करवाता है, ये समझ अकल के काम नहीं। अपनी मातृभाषा को नमन, और आप सबको 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं। प्रीत जहां की रीत सदा।